हैरत अंगेज और चौंका देने वाली बात है कि आज के जमाने में भी 3 रुपए किलो दूध लातेहार जैसे जिले में मिल रहा है। एक तरफ जहां बाजार का भाव अगर दूध का पता करें तो 35 से 40 रुपए लीटर है, मगर मैं इस वक्त लातेहार जिले के कैमा गांव में हूं और मेरे साथ ये किसान है जिन्हें गव विकास से गाय मिली थी और ये अपना दूध का उत्पादन कर लातेहार दुग्ध उत्पादन केंद्र को देते हैं। मगर एक बात जो चौंका देने वाली बात है कि दूध उत्पादन केंद्र लातेहार इनसे प्रति किलो दूध 3 रुपये और 4 रुपये और 5 रुपये किलो के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। आइए किसान से हम जानते हैं इनका नाम और इनकी क्या समस्या है और इनके दूध कैसे किलो खरीदे जा रहे हैं, बताइए। हम लोग को झारखंड सरकार के द्वारा गव विकास विभाग से 4 गाय अनुदान में मिला था ताकि इन लोग रोजगार के रूप में लोग काम करेंगे, ताकि इन लोग का आर्थिक स्थिति सुधार होगा कह के। लेकिन आज हम लोग दूध संग्रह केंद्र में हम लोग दूध देते हैं तो यहाँ पर मशीन के द्वारा रेट निकलता है 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, इसी तरह से ये होता है, इससे ऊपर नहीं आता है। हम लोग इससे काफ़ी तंगी परेशान हैं। हम लोग को इससे आर्थिक स्थिति कैसे सुधार होगा, इससे तो और हम लोग और पूरा ये में जा रहे हैं, घट्टा में जा रहे हैं, घर से चावल दाल बेच के गाय का जो भी खरी भूसी खिलाना पड़ता है, इससे हम लोग को गाय का खिलाने का भी कोई अथी नहीं निकल रहा है। हम लोग इससे काफ़ी चिंतित हैं और काफ़ी परेशानी है। हम लोग को इस प्रकार से क्या लूटा जा रहा है कि ठगा जा रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में हम लोग को कैसे हम लोग धंधा कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश टाना भगत। टाना भगत, टाना भक्तों के उत्थान के लिए सरकार कई एक प्रकार कदम उठा रही है, मगर आप ही का दूध आपसे 3 रुपए किलो खरीद कर मार्केट में 40 रुपए किलो बेचती है, इस बात की जानकारी है आपको? हाँ, ये तो खैर थोड़ा बहुत जानकारी है, लेकिन हम लोग यहाँ हम लोग के लिए यहाँ संग्रह केंद्र खोल दिया गया ताकि आप लोग को सुविधा होगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कह करके। यहाँ कंप्यूटर मशीन द्वारा लिया जाता है तो मशीन में जीता 3 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, इस प्रकार से दूध का रेट निकलता है। हम लोग को इससे काफ़ी हम लोग इसमें ये हैं कि इस प्रकार से हम लोग कैसे आर्थिक स्थिति, हम लोग इसमें फिर भी दूध दूहते हैं, ट्रेनिंग में जो बताया गया उस हिसाब से हम लोग ये करते हैं। दूध में हम लोग जरा भी हम लोग पानी उनी ये सब नहीं फेंकते हैं। हम लोग गाय का दूध हम धो करके कपड़ा से पोंछ करके धो करके हम सीधा दूध लाते हैं संग्रह केंद्र में। कहते हैं कि टाना भगत काफ़ी ईमानदार होते हैं, मगर उनकी ईमानदारी तो मशीनों में दिख रही है कि वो 16% पानी मिलाते हैं दूध में। वो तो पानी मिलाने का तो काम नहीं करते हैं, पर दूध में तो खैर पानी रहता ही है, वो अंदर से ही आप कितना परसेंट रहता है वो तो खैर रहता ही है, लेकिन हम लोग अलग से पानी लगाने के डालने के काम हम लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग दोष किसको आप लोग देना चाहते हैं, गव विकास कार्यालय जो लातेहार में उसको, या दूध उत्पादन केंद्र, या मशीन, या फिर सरकार को? हम लोग सरकार को भी कैसे हम लोग ये कर सकते हैं, सरकार तो हम लोग को रोजगार के लिए गाय देवे किया, पर यहाँ से जो डेयरी विभाग है वो ना दूध ले रही है। हम लोग तो भाई नहीं कह सकते हैं कि भाई किस प्रकार से ये रेट मशीन यानी ख़राब करके भेज दिया गया है कि आगे से क्या करके। उधर बीच में कभी कभी ठीक रेट आता था, इधर लगभग 15-20 दिन के अंतराल में इधर ज़्यादा इस प्रकार से होने चला है। आपने देख लिया लातेहार के कैमा ग्राम की एक किसान है जो कि इन्हें इनको सरकार की तरफ से 4 गायें मिली थी ताकि ये दूध उत्पादन कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और उत्थान कर सके और आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सके, मगर आप देख आप सकते हैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट जैसा कि इन्होंने बयान दिया कि ये दूध का जो उत्पादन करते हैं और दूध उत्पादन केंद्र जो लातेहार दूध संग्रह केंद्र से जो संग्रहण करके जो दूध लेकर जाती इन किसानों को 3 रुपये किलो दूध का पैसा देती है और उसी दूध को दूध उत्पादन केंद्र लातेहार के मार्केट में, गढ़वा के मार्केट में, रांची के मार्केट में 40 रुपये किलो तक बेचती है। मतलब टोटल 37 रुपया का मुनाफा सीधा दूध उत्पादन केंद्र लातेहार कमा रही है। और ये जो किसान है हमारे कैमा गांव के, ये जो टाना भगत लोग हैं, ये दिन प्रतिदिन गर्त में जाते जा रहे हैं। लातेहार के कैमा ग्राम से मनोज दत्त।